दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों मिथुन लव राशि फल मार्च 2022। मिथुन राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति मार्च के महीने में कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों, मार्च का महीना आपके लिए क्या दर्शा रहा है, आपके लिए क्या बता रहा है, आपकी पूरी स्थिति महीने की कैसी रहने वाली है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ग्रह स्थितियां कौन कौन सी बदलने वाली हैं, क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, जिनसे आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप स्थिति बदलने वाली है, जानते हैं। सबसे पहले जो परिवर्तन है वो आपको बता देते हैं। 6 मार्च को कुंभ राशि में बुध का प्रवेश होगा। दूसरा परिवर्तन बुध का 24 मार्च को होगा, मीन में चले जाएंगे, नीच राशि के हो जाएंगे। और बीच में ये परिवर्तन सूर्य का होगा, 14 मार्च को मीन में सूर्य जाएंगे और लास्ट में जो 31 मार्च को कुंभ में शुक्र जाएंगे। ये परिवर्तन है मार्च के महीने के। इस परिवर्तन से आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में क्या विशेष प्रभाव पड़ रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्थिति क्या बनती है। सबसे पहले यहाँ पर जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए नॉर्मल स्थिति बन रही है, लेकिन जो किसी के साथ में फ्रेंडशिप में है, किसी के साथ दोस्ती इत्यादि है, फ्रेंड इत्यादि है, तो वहाँ पर आप उसके लिए बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। आपके तृतीयेश और आपके चतुर्थेश, तृतीयेश का संबंध यानी कि केवल दोस्ती तक सीमित है, अभी तक इमोशनल भी नहीं हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से उसके लिए बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास करना, उसके लिए बहुत केयर करना उसकी, तो मतलब उसके प्रति आपका खिंचाव बढ़ेगा। अगर इमोशनल हैं किसी के लिए तब उसके साथ में थोड़ी बहुत आपकी गलत फहमियाँ बढ़ेंगी, ये स्थिति बनेगी। आपके लिए पूरे महीने में सबसे ज़्यादा खतरनाक समय रहेगा 16 आपके खास करके 16 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में जो समय रहेगा वो खतरनाक रहेगा, और बाकी स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखेंगी। ये स्थिति है आपके लिए अगर आप सिंगल हैं, किसी के साथ इमोशनल हैं तब। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, आपकी केयर करेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। ये महीना आपके लिए बेहद खूबसूरत हो जाएगा और आपको पार्टनर से काफ़ी प्यार मिलने वाला है। खास करके पार्टनर अपने घर पर किसी रिलेटिव से आपके बारे में बातचीत करे, आपको उन बातों को शेयर भी करे और अपने आप से ज़्यादा आपसे प्यार करें। बहुत सारी खूबसूरतियाँ दिखेंगी। आप ये समझ लीजिए कि इससे अच्छा महीना आपके लिए पूरे वर्ष में नहीं आएगा लव लाइफ के रिलेटेड। बहुत ज़्यादा अच्छा महीना है, बहुत प्यार मिलेगा, कहीं से कोई दोराय नहीं है कि यहाँ पर आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत बन रही, बहुत अच्छी बन रही है। घूमने फिरने जाना, मुलाकात करना, खर्चे करना, पार्टनर आपके साथ खर्चे करे, बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी बनेंगी। और हाँ, एक चीज़ और है, मुलाकात करेंगे वहाँ पर फिजिकल रिलेशन के लिए पार्टनर जरूर कोशिश करेगा। अगर फिजिकल रिलेशन आपके नहीं बनते, वैसे तो बनने हैं और नहीं बनते हैं, तब पार्टनर आपसे थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन नाराजगी बस कुछ ही क्षण की होगी। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा टाइट होकर के कहेंगे कोई बात तो वो जरूर मानेगा। तो आपके लिए स्थिति लव लाइफ की बहुत अच्छी है। आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए बहुत बुरी स्थिति है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके तो बहुत ज़्यादा ही बुरी स्थिति बनने वाली है, क्योंकि वो अपने अगर लॉन्ग डिस्टेंस में खास करके, तो जो चैट इत्यादि, मैसेज इत्यादि पर थोड़ी बहुत बातचीत भी हो रही थी, या कभी कभार वो आपके मैसेज का जवाब भी दे रहे थे, कुछ रिएक्ट कर रहे थे, अब रिएक्ट करना ही बंद कर देंगे। अब उन्हें परवाह ही नहीं है कि आप उन्हें कितने मैसेज कर रहे हैं, क्या क्या मैसेज कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो ये परमानेंटली ब्रेकअप के पूरे चांस बनते हैं 24 मार्च के बाद में, अगर आप लोग कॉन्टेक्ट में हैं पहले से तब। और आपके लिए बहुत बुरी स्थिति मैरिड लाइफ की भी बनेगी, क्योंकि मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे और उनका कहीं एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है। इस पूरे महीने में खास करके आपके लिए देखा जाए तो पूरा महीना खराब इसलिए हो रहा है कि आपके पार्टनर के एक्स्ट्रा अफेयर या कोई अन्य एक्टिविटी, ऐसी कॉल गर्ल इत्यादि, या किसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति से
संबंध स्थापित करना, किसी के साथ में टाइम पास करना, किसी के साथ अफेयर में जाना, ये पूरे महीने बन रहा है, इसलिए मैरिड लाइफ खराब होगी क्योंकि थर्ड पार्टी पूरे महीने रहेगी। लेकिन एक इसमें अच्छी बात यह है कि पार्टनर उनके लिए इमोशनल नहीं होगी, जो भी थर्ड पार्टी होगी उसके लिए कोई भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हें फिजिकल रिलेशन इत्यादि में ही इंटरेस्ट होंगे। तो ये इसमें थोड़ी ठीक बात है, मतलब क्योंकि अगर किसी के लिए इमोशनल हो जाए तो आपके फिर घर संसार उजड़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो एक समय एक लिमिट में रहेगा और उसके बाद खत्म भी हो जाएगा। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं बन रही है मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको समय कम देंगे और दूसरे को समय ज़्यादा देंगे, ये भी तकलीफ रहेगी। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा। और अगर किसी एक व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, तो हो सकता है कि दो चार के साथ में हो जाए। बहुत ज़्यादा आपके साथ में लोग अफेयर बनाना चाहेंगे, यही इस महीने के लिए आपका हो सकता है कि बड़ी बुरी स्थिति बन जाए, क्योंकि आप एक व्यक्ति के साथ में फिर दूसरे व्यक्ति के साथ में ऐसे अन्य अन्य अफेयर में जाएंगे, आपको शुरू में अच्छा लगेगा लेकिन फिर हो सकता है कि महीने के लास्ट में जा करके आपको बहुत ज़्यादा घृणा होने लगे इन चीज़ों से, बहुत तकलीफ होने लगे और आप फंस जाएं। तो ये आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है, क्योंकि अगर अफेयर में हैं, एक्स्ट्रा अफेयर में, तो एक से दो, दो से चार हो सकते हैं और वो आपको बहुत तकलीफ भी दे सकते हैं, फंसा भी सकते हैं, और ख़ास करके उनके साथ में फिजिकल होना आपको बहुत भारी पड़ सकता है और वो आपके साथ फिजिकल होने के लिए भी कह सकते हैं, ये भी इस महीने के लिए बहुत बड़ी तकलीफ आपके लिए हो सकती है। खास करके आपके बहुत नज़दीकी किसी व्यक्ति से, खास करके कोई बहुत नज़दीक किसी रिश्ते से, नज़दीकी कोई रिश्ता हो, उससे आपका कोई रिश्ता ऐसा बना हुआ है तो वहाँ पर बड़ा विवाद हो सकता है, बहुत बच के रहिएगा। तो आपके लिए पूरा महीना ये रहने वाला है। अब आपको बता देते हैं तीन राशियों के नाम, अगर उन तीन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है तुला राशि और तीसरी राशि है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। तो दोस्तों यह था आपका लव राशिफल। अगर आपको लव राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।